subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. इतिहास में कई रोचक कहानियां आपने पढ़ी हैं। इतिहासकार ने काफी कुछ लिखा है। मुस्लिम हमलावर कितने साहसी थे, लेकिन इतिहास कुछ और ही दिखाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ युद्ध में जाने से पहले अफजल खान ने अपनी सभी 63 पत्नियों को मार डाला था। ऐसा माना जाता है कि एक जोशी ने भविष्यवाणी की थी कि वह वापस नहीं आ सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज लगातार आक्रमणकारियों के खिलाफ आगे बढ़ रहे थे। मुगल शासक औरंगजेब बहुत डर गया था। 1658 में औरंगजेब आदिल शाही के खिलाफ लगातार दबाव बना रहा था। युद्ध में जाने से पहले किसी जोशी ने भविष्यवाणी की थी कि अफजल खान युद्ध से नहीं लौटेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मारा जाएगा। इसके बाद उसने 63 पत्नियों को मार डाला। उसे लग रहा था कि मरने के बाद सभी दोबारा शादी कर लेंगी। अफजल खान ने आंख बंद करके भविष्यवाणी पर विश्वास किया, अपनी सभी 63 पत्नियों को मार डाला, क्योंकि उसे डर था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी 63 पत्नियां किसी और से शादी कर लेंगी। कोई कहता है कि अफजल खान की उन बीवियों को कुएं से नीचे ढकेल दिया गया था, तो कोई कहता है कि तलवार से उनका वध किया गया। अफजल खान को छत्रपति शिवाजी महाराज ने मार डाला था। कर्नाटक के बीजापुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक उजाड़ स्थल पर 5 एकड़ में फैली कब्रगाह है, जिसका नाम 60 कब्र अफजल खान की 63 पत्नियों के 63 मकबरे बीजापुर के 60 कब्र में स्थित है। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।